हेलो, मैं जानती थी तुम्हारी कॉल जरूर आई। मुझे आपसे मिलना है अभी। मैंने भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है, आखिर तुम चाहती क्या? तुम नहीं, आप। ये सब क्या है? आपने ईशल को क्यों कहा कि आप फरीद की मां हैं? मैंने उसे ये नहीं बताया कि फरीद मेरा बेटा है। मैंने तो ये बताया कि मैं उसकी माँ हूं। मैं इस वक्त बहुत संजीदा हूं। मैं भी बहुत संजीदा हूं। आपने ईशल को चैलेंज दिया कि सबको बताए कि फरीद आपका बेटा है। हाँ, मैंने इसे कहा है। मगर क्यों? शुक्र करो, मैंने सिर्फ ये बताया है कि मैं फरीद की माँ हूं। ये नहीं बताया कि तुम फरीद के बाप हो। फरीद तुम्हारा बेटा है, बता दूं सबको? इस सच से सब घर बिखर जाएंगे। मेरा घर तो 23 साल पहले ही बिखर गया था, जब अनवर मुझे छोड़ के चले गए थे। तब से लेके आज तक मैं सिर्फ तुम्हारा घर बचा रही हूं। तो फिर अब क्या हुआ? आप मेरा घर क्यों तोड़ना चाहती हैं? क्योंकि तुमने मुझसे मेरे वजूद को छीनने की साजिश की है। किससे पूछ के तुमने फरीद को नौकरी पर रखा है? मुझसे बात की? मुझसे पूछा था? खुद आया था मेरे पास। और तुमने तो मौका गनीमत जाना होगा कि चलो मैं रुखसाना को नुकसान पहुंचा दूं। मेरे मेरा यकीन करें, मैं इस नीयत से नहीं रखा उसे। अरे मैं तो उसे सपोर्ट करना चाह रहा हूं। तुम्हें चाहिए था कि जैसे ही वो तुम्हारे पास आया था तुम मुझे फोन करते कि फरीद मेरे पास नौकरी के लिए आया, क्या करूं? पूछते मुझसे, मैं बताती क्या करना है। तो मेरा हक नहीं बनता कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं? है, बिल्कुल बनता है हक। लेकिन पहले ये तस्लीम तो करो कि तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है।